हे गाइस, दिस इज अपूर्व एंड यू आर वॉचिंग टेक निंजा। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच कर रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको आने ही आने वाली है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि आप अपनी कॉल स्क्रीन को मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे आईफोन में। मतलब सीधी बात है, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते तो आपको पता होगा कि ऐसी कुछ फीचर एंड्रॉयड में अवेलेबल है। सपोज़ किसी का फ़ोन आया और आपको फ़ोन नहीं उठाना है, तो आपने उसको क्या कर दिया, स्वाइप अप कर दिया, तो फ़ोन आपका उस टाइम पे रिंग करेगा नहीं करेगा, मतलब जो भी है चालू रहेगा, बट अगर आपको फ़ोन नहीं उठाना है तो आप ना उठाइए, वो एज अ रीसेंट में चला जाएगा, मतलब एज अ ड्रॉप डाउन नोटिफिकेशन टाइप में चला जाएगा। बट आईफोन के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। आईफोन में अगर किसी का आपका फ़ोन आया तो आपको उठाना ही उठाना पड़ेगा। और काफ़ी ऐसे यूज़र्स जो होते हैं जो कि बार बार फ़ोन लगा लगा के आपको परेशान कर देते हैं, और अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे उस सेम चीज़ से। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप आने आईफोन ले लिया तो आप जो है कॉल स्क्रीन को मिनिमाइज़ नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको फ़ोन उठाना ही पड़ेगा। देन सेकेंड बात आती है डाउनलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट। अब इंटरनेट से मैं ये बोलूँगा, मानना है कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और आईफोन में क्या होता है स्पेसिफिकली, वो इतना सिक्योर रहता है कि वो ये सारी चीज़ें इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करने देता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको कोई भी ऐसा गाना चाहिए या कोई मूवी चाहिए या कोई गेम चाहिए जो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना है सीधे अपने आईफोन में, तो वो आप नहीं कर पाएंगे आईफोन में, क्योंकि वो इतना सिक्योर सिस्टम है कि वो मतलब मना ही कर देगा, बोलेगा दिस इज़ मालवेयर एंड दिस में हार्म योर डिवाइस। तो वो एक बात हो गई। तो आईफोन में आप ये भी डाउनलोड कर पाएंगे। और थर्ड पॉइंट हो गया APK का। अब APK ऐसा चीज़ है कि जो आपको सपोज़ क्रैक्ड वर्जन किसी का चलाना है, लाइक स्पॉटिफाई का या और कोई डिफरेंट म्यूजिक ऐप्स के या फिर वीडियो ऐप्स के, तो आप एंड्रॉयड में क्या कर सकते हैं, APK मेरा ऐसी कोई वेबसाइट है वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। बट आईफोन में वो ब्लॉक कर देता है ये सारे नोटिफिकेशंस, और आप ये सारी चीज़ें किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट, APK आप कुछ भी कर लीजिए, आईफोन में आप बिल्कुल APK डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। देन फोर्थ पॉइंट आ गया कस्टमाइजेबल UI का। कस्टमाइजेबल UI का यही मतलब है कि आईफोन में आप UI कस्टमाइज़ नहीं कर पाएंगे, जो वो उसने इंस्टॉल करके दिया आपको वैसा का वैसा UI ही यूज़ करना है आज से 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद, जब तक मतलब जितने अपडेट देता है। और आप अपडेट भी देखेंगे, iOS 5-6 देख लीजिए, iOS 12-13-14 देख लीजिए, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस करता नहीं है वो iOS में, तो सेम से iOS चलते हैं, और ये काफ़ी बोरिंग सा साउंड होता है। क्योंकि एंड्रॉयड में आपको सपोज़ अगर आप अभी अपने मोबाइल का UI चला रहे हो, और अगर आपको कल को किसी दूसरे मोबाइल की UI चलाने का मन हुआ तो आप ऐप के ज़रिए वो UI चेंज कर सकते हैं। बट आईफोन में आप UI चेंज कर ही नहीं सकते, जो उसने दिया आपको वही चलाना पड़ जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कस्टमाइजेबल डिफरेंट ऑप्शन के, जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड एज़ कम्पेयर टू आईफोन। तो आईफोन कोई भी ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है कस्टमाइजेशन के, जो कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं डुअल सिम सपोर्ट की। अगर आपको तो पता ही होगा, अगर आपने आईफोन किसी का देखा है या नेट पर रिव्यूज़ देखे हैं आईफोन के, तो आपको ज़रूर पता होगा कि आईफोन में डुअल सिम सपोर्टेड नहीं है। डुअल सिम सपोर्टेड नहीं है उसमें eSIM डलता है, एक सिंगल सिम डलेगा, एक eSIM डलेगा। तो मैक्सिमम मोबाइल्स ऐसे ही आते हैं, अगर सपोज़ आपका प्लान है iPhone XR लेने का या iPhone XS लेने का, क्योंकि उसका रेंज थोड़ा डाउन हो चुका है बाकी फ़ोन्स की कंपैरिजन में, तो उसमें आपको एक ही सिम या फिर एक eSIM और एक सिंगल सिम देखने को मिलेगा। तो वो एक काफ़ी हैक्टिक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे काफ़ी यूज़र्स हैं जिनको डुअल सिम, डेडिकेटेड डुअल सिम स्लॉट जो है वो ज़्यादा पसंद आता है एज़ कम्पेयर टू eSIM। तो यह बात आप ध्यान रखिए, तो ये काफ़ी यूज़र्स को एक इरिटेटिंग साबित होता है। देन बात करते हैं हम माइक्रो SD कार्ड की। अब आपको पता ही होगा, सैमसंग का डिवाइस हो या MI का, आप उसमें जो है मेमोरी कार्ड डाल के अपनी मेमोरी को एक्सपांड कर सकते हैं 1 TB तक, 500 GB तक, ठीक है। बट आईफोन में ऐसा नहीं है। आईफोन में अगर 64 GB आपने ले लिया तो आपको सिर्फ 64 GB ही मिलेगा, 128 GB आपने ले लिया तो आपको सिर्फ 128 GB मिलेगा, आप एक्सपांड नहीं कर सकते। और आईफोन का कैमरा इतना अच्छा होता है कि वो 64 और 128 GB तो ऐसे ही भर जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, विद इन वन एंड हाफ ईयर वो भर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, तो वो एक काफ़ी हैक्टिक हो जाता है। तो इसलिए एक ये मेजर ड्रॉबैक है। और एक और ड्रॉबैक इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि 64 to 128 आईफोन अपनी प्राइस 10 से 12 हज़ार रुपये बढ़ा देता है। तो ये एक काफ़ी मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है, क्योंकि
कुछ 60-65 जीबी की मेमोरीज के लिए इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ाना भी मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। देन हम बात करते हैं चार्जर की। अब चार्जर की तो क्या ही बोले बात, पहले उसने गायब किए ईयरफोन्स, फिर उसने गायब किया चार्जर, मतलब थोड़े दिन बाद तो वो चार्जर क्या बैटरी वैटरी सब गायब कर देगा, फिर सब क्या मार्केट से लेंगे क्या हम, तो अब चार्जर भी नहीं आता उसमें, ठीक है। तो ये बात हो गई, और चार्जर पहले आता भी था तो वो कौन सा अच्छा आता था, वो भी एक 5 वॉट 1 एम्पियर का सबसे स्लोइंग चार्जर आता था। आजकल क्या चार्जिंग टेक्नोलॉजी रखी है, वायर चार्ज आ रखा है आपका 65 वॉट के फास्ट चार्जर, 70 वॉट के फास्ट चार्जर, और उसमें ऐसी फीचर नहीं है। तो ये आप काफ़ी इरिटेटिंग होगा कि आपका जो चार्जिंग है, आपको अगर आपका कोई नॉर्मल फ़ोन भी होगा 15-20,000 का भी आप अगर यूज़ कर रहे होंगे तो वो एक अच्छा पर अच्छा चार्जिंग परफॉर्मेंस दे रहा होगा एज़ कम्पेयर टू एक महंगा 60-70,000 के आईफोन के कंपैरिजन में। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उसको क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक कर दीजिए, और मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही अगली वीडियोज़ में। जब तक के लिए दिस इज़ अफोर साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट।